11 ऐसे संकेत जो आपको बताते हैं कि आपको कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। दूसरे से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी पीछे हटना और अपनी खुद की कंपनी की सराहना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमित रूप से अकेले समय व्यतीत करना मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण का एक अभिन्न पहलू है। इस वीडियो में हम पता लगाते हैं कि यह क्यों आवश्यक है और यह आपको एक स्वास्थ्य और अधिक संतुलित जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। इसीलिए पूरा ध्यान दें और यह पहचानना सीखें कि आपको कब अपने आप के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। तो चलिए हम सब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी भावनाएं बेकाबू हो रही है। कभी कभी व्याकुल, भ्रमित, चिड़चिड़ा या क्रोधित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप इन भावनाओं को बढ़ती आवृत्ति के साथ अनुभव कर रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको कुछ पल अकेला बताना चाहिए। अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक कदम पीछे लेना और यह आकलन करना कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं आपको स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लोगों और द्वायित्व के विकर्षण के बिना आप स्वयं के प्रति ईमानदार हो सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आपकी भावनाओं के संतुलन से बाहर होने का क्या कारण हो सकता है। नंबर 2, आप अचानक से सभी को बहुत कष्टप्रद या अनुयोग पाते हैं। यह असामान्य नहीं है कि कुछ लोग समय समय पर हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अचानक हर किसी को आपको परेशान करते हुए पाते हैं और उनके आसपास नहीं रहना चाहते तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अति उत्तेजित महसूस कर रहे हैं। अन्य लोगों के साथ बहुत अधिक समय बिताने से आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, खासकर यदि आप अधिक अंतर्मुख व्यक्ति हैं। इसीलिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ऐसा कब हो रहा है ताकि आप एक कदम पीछे हट सके और अपनी बैटरी को चार्ज कर सके। नंबर 3, आपको ध्यान केंद्रित करने में या कार्य को पूरा करने में कठिनाई होती है। ठीक से काम करने के लिए आपके माइंड को फिर से रिफ्रेश होने के लिए समय चाहिए। यदि उसे वह अवसर नहीं मिलता है तो वह चेतावनी संकेत भेजना शुरू कर देगा कि आपको एक ब्रेक की आवश्यकता है। किराने की सूची बनाने या ईमेल भेजने जैसा सरल कार्य से भी आप परेशान महसूस कर सकते हैं। सुबह नहाने या कपड़े पहनने जैसा साधारण काम करने के बाद भी आपको थकान महसूस हो सकती है। इसीलिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं जिन्हें कभी कभी ब्रेक की ज़रूरत है और कभी कभी उस ब्रेक टाइम को अकेले बिताने की ज़रूरत होती है ताकि आपका मन वास्तव में आराम कर सके और ठीक हो सके। नंबर 4, जब आपका फ़ोन बजता है तो आप घबरा जाते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होने की संभावना है जिसके साथ आप संपर्क में रहते हैं और यह बहुत अच्छा है, लेकिन सामाजिक होने और हर समय हर किसी के लिए लगातार उपलब्ध रहने में अंतर है। यदि आप अपने जीवन में ध्यान और शोर की मात्रा से परेशानी महसूस कर रहे हैं और जब आपका फ़ोन बजता है या जब आप किसी से बात करने के लिए बस फ़ोन उठाने के बारे में सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन स्विच ऑफ करना फ़ायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपको आराम करने और कुछ शांति का आनंद लेने के लिए स्पेस देगा बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। नंबर 5, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। बेशक जीवन व्यस्त हो सकता है काम, दोस्तों, परिवार और अन्य प्रतिबद्धताओं के बीच करने के लिए चीज़ों की कोई कमी नहीं है और कभी कभी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना कठिन हो सकता है। हालांकि यदि आप लगातार परेशानी महसूस कर रहे हैं और दृष्टि में कोई अंत नहीं है तो यह निश्चित रूप से ब्रेक लेने का समय है और आपको अपने आप को समाज से पूरी तरह से अलग थलग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए कुछ समय किसी और को बिना जांचे परखे कुछ समय अपने आप के लिए निकाल लेना है। नंबर 6, आप अपने आप से या अपनी पहचान की भावना से संपर्क खो रहे हैं।
क्या आपने गौर किया है कि बहुत टाइम हो गया है जब आपने सिर्फ अपने लिए कुछ किया है, या कि आप एक व्यक्ति के रूप में जो है उसे संपर्क खो चुके हैं, या स्वयं को इसमें भाग लेने वाले की तुलना में जीवन के पर्यवेक्ष की तरह अधिक महसूस कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इसका कारण जानना होगा। अपने आप पर कुछ समय बिताने से आपको अपने आप से फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है और पता चल सकता है कि आपको क्या पसंद है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आपको लगता है कि चीज़ें बहुत व्यस्त हो रही है और आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन या क्या मायने रखता है। नंबर 7, आपकी चिंता बढ़ती जा रही है। यदि आपको लगता है कि आपकी चिंता हाल ही में खराब हो रही है तो यह एक कदम वापस लेने और अपने आप को कुछ आवश्यक के व्यक्तिगत ब्रेक देने का समय है। यह आपको शांत होने और अपने आप को फिर से केंद्रित करने की अनुमति देगा। रिसर्च से पता चलता है कि कुछ समय अकेले बिताने से तनाव और चिंता कम हो सकती है, जो न केवल आपके मूड को अच्छा बनाता है बल्कि आप जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे संभालने के लिए बेहतर ढंग से तैयार भी करता है। नंबर 8, आप पूरी तरह से अपसेट महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बस अपने जीवन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप जो करते हैं उसके लिए कोई जुनून नहीं है, तो वापस बाउंस बैक करने का वक्त आ गया है। कभी कभी अपनी रचनात्मक रस प्रवाहित करने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ी देर के लिए सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लेना है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तो आप अपना दिमाग क्लियर कर सकते हैं और वह प्रेरणा पा सकते हैं जो आपको चीज़ों को सही करने के लिए चाहिए। नंबर 9, आपको ऐसा लगता है कि आप बस छिपना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन से भागकर कहीं और रहना चाहते हैं? आप इस तरह महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या क्योंकि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है जो आप पर भारी पड़ रही है। शायद यह सिर्फ इसीलिए भी है क्योंकि आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते करते थक गए हैं। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपकी पहली वृत्ति ब्रेक लेने की है तो आप शायद कुछ अकेले समय का उपयोग अपनी देखभाल के लिए कर सकते हैं। नंबर 10, आपको सोने में कठिनाई होती है। आपको सोने में परेशानी होने के कई कारण हो सकते हैं। शायद आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं और यह आपको आपके शरीर को आवश्यक आराम देने वाली नींद लेने से रोक रहा है, या हो सकता है कि आपका दिमाग सिर्फ ओवरलोडेड हो किसी भी तरह से, या एक संकेत है कि आपको अपने दैनिक जीवन की हलचल से एक ब्रेक लेने और कुछ समय अकेले बिताने की आवश्यकता है, जो कुछ भी आपको आराम करने में मदद करता है। अपने आप को इसे करने की अनुमति दे। नंबर 11, आप अकेले समय के विचार से सचमुच घृणा करते हैं। कुछ लोगों को अकेले समय बिताने का विचार बर्दाश्त नहीं होता है, और यदि आप उनमें से हैं तो कुछ अकेले समय निर्धारित करना और भी महत्वपूर्ण है, चाहे यह कितना भी असहाय क्यों ना हो। यह अपने आप में जांच करने और यह प्रतिबिंबित करने का एक शानदार अवसर है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है। यह वास्तव में आपकी आंतरिक आवाज़ को सुनने और अपने जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में जागरूक होने का मौका है जिन्हें आप उपेक्षा या अनदेखा कर रहे हैं। हालांकि हर चीज़ जैसे दूर हटना हमेशा आसान नहीं होता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लिए स्पेस बनानी होगी, चाहे वह एक लंबा सप्ताह हो या शनिवार के दोपहर के कुछ घंटे, या ब्रेक लेना और अपने लिए कुछ समय निकालना आपकी उत्पादकता, रिश्तों और जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए चमत्कार कर सकता है। यह तक कि अगर आप पहली बार में इसका आनंद नहीं लेते हैं फिर भी आप इसके सकारात्मक लाभों से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अपने लिए पर्याप्त समय है? नीचे अपने विचार और कमेंट्स शेयर करें।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसे बनाना जारी रखें।